बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एसएलएसियन, वेलकम टू सेवन सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमने जियोग्राफी का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करना है, ओशन एंड सी लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने आज पढ़ना है। पेज नंबर जो है 58 आप ओपन कर लें। सबसे पहले जो इसमें बता रहे हैं ओरियन एंड टाइडल मूवमेंट के बारे में, न्यू लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन एंड व्हेन दीज ब्रोकन पीसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लेसेस वेयर दे स्टैक अप इन डिफरेंट वेज ऑन कोस्टल लाइन वेव क्रैश अगेंस्ट माउंटेन रॉक्स एंड क्लिफ्स ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पीसेस। न्यू जो लैंडफॉर्म्स होती है क्रिएटेड तो क्रिएट होती है, जब जो रॉक्स होती है टूट जाती है, व्हेन दिस ब्रोकन जो पीसेस हैं टूटे हुए जो पीस ट्रांसपोर्ट जो है अदर प्लेसेस दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, इनको भेज देते हैं। व्हेन जब ये जो है स्टैक अप इन डिफरेंट वेज में ऑन अ कोस्टल लाइन जो सैली इलाके होते हैं वेव्स लहरें क्रैश अगेंस्ट इनके मुखालिफ जो माउंटेन्स पहाड़ होते हैं चट्टाने ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर उनको तोड़ती है मजीद जो है स्मॉलर पीसेस में। ये जो वेव्स हैं कंस्टेंटली ब्रेक एंड स्मूथ रॉक मुश्किल तो पर जो है टूटती है स्मूथ और हमवार जो है रॉक्स होती है फॉर्म न्यू शेप, फिर उनकी नई शेप बनती है ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, सॉफ्ट जो रॉक्स होती है इज लेस रेजिस्टेंट उनका वजूद कम होता है देन हार्ड बनिस्पत जो सख्त चटाने एंड ब्रेक डाउन फास्ट होते हैं जिससे जो है वो टूट जाती है। सी वाटर ट्रैक्स विद डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स एंड ब्रेक द डाउन वो भी टूट जाती है। आगे टेक्टोनिक एक्टिविटी पेज नंबर 59 पे बता रहे हैं, इसमें ये जो दीस प्लेट्स प्लॉट ऑन द मेंटल ऑफ द अर्थ के जो मेंटल है ठीक है लेयर्स उसके ऊपर होते हैं सम ऑफ दीस प्लेट्स पुश इनटू ईच अदर कन्वर्जेंट प्लेट्स इनको पुश कर रही होती है सम पुल अवे फ्रॉम ईच अदर डिवर्जेंट प्लेट्स ठीक है डिवर्जेंट प्लेट्स ने पुल अवे किया एंड द रेस्ट स्लाइड्स पास ईच अदर कंजर्वेटिव प्लेट्स दीस मूवमेंट ये जो मूवमेंट्स हैं कैन क्रिएट अंडर वाटर रिफ्ट्स में जो चट्टान है उसमें हो सकती है क्रिएट पैदा होती है या क्रिएट रिजेस वैलीज होती हैं एंड माउंटेन्स पहाड़ होते हैं उन लैंड जमीन पर पीरियड ऑफ थाउजेंड हजारों साल। पुश अप जो थर्ड है पुश अप पार्ट्स ये जो पुश अप पार्ट्स है इसको पुश किया जाता है ओशन बेड में सम टाइम्स फॉर्मिंग अ न्यू लैंड जो है इसमें तश्कील होती है मैनी आईलैंड आर फॉर्म दिस वे इसमें इस तरह इसमें बहुत सारे जजीरे होते हैं। सम इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं इनमें पेनिनसुला है पेनिनसुला इज अ लार्ज पीस बड़ा पीस है जमीन का एक्सटेंडिंग इनटू एन ओशन और सी तक फैला हुआ है इट इज सराउंडेड इसके ये जो है वाटर है ठीक है तीनों साइड पे कनेक्टेड टू मेनलैंड लैंड ऑन द फोर्थ में इसको कनेक्ट किया हुआ है। यूरोप इज वन लार्ज पेनिनसुला यूरोप में एक बड़ा जो है पेनिनसुला है मेड ऑफ फोर स्मॉल पेनिनसुला जो चार छोटे पेनिनसुला से मिलकर बना है बल्कन है इटालियन है स्कैंडिनेवियन एंड द इबेरियन इबेरियन है ठीक है इन चार को मिलाकर ये एक बना। नेक्स्ट हमारे पास केप है केप केप जो है केप इज अ पॉइंटेड कर्व्ड और हुक पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडेड इनटू द सी इट इज सिमिलर इसी तरह टू पेनिनसुला की तरह बट यूजुअली स्मॉलर होता है। फेमस जो कैप है ऑफ द वर्ल्ड यूनिक इंक्लूड कैप कॉड है इसके अलावा कैप गुड हॉप हुप है कैप हॉर्न वगैरह ठीक है ये साउथ अमेरिका की। नेक्स्ट हमारे पास जो है बे एंड गोल्फ है अब बे इज अ शेल्टर यूजुअली सी शेप में होती है लैंडफॉर्म क्रिएटिव व्हेन द सी पुश जो है इनटू द लैंड की तरफ पुश करती है फार्मिंग अ कॉव और इनक्लाइन जो है फॉर्म तश्कील होती है इट इज अ यूजुअली सराउंडेड बाय लैंड जो है एक दिन होती है द बे ऑफ बंगाल जो होती है इसमें द बे ऑफ जो है बिस्के हैंडसन ये मशहूर है ठीक है बे ये खलीज फंडे बे एंड जेम्स बे आर सम ऑफ द फेमस बे ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की मशहूर है। आगे वेरी लार्ज बे इज कॉल्ड गुल्फ है जो बहुत बड़ी जो है बे है गुल्फ सम ऑफ फेमस जो गुल्फ आर द पर्शियन गुल्फ है गुल्फ ऑफ अकेबे एंड स्विस और इसके अलावा इसमें मैक्सिको है गुल्फ ऑफ अलास्क एंड गुल्फ ऑफ एडन। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 61 पे स्ट्रेट है स्ट्रेट इज अ नैरो वाटरवे ये एक तंग होता है वाटरवे रास्ता सेपरेटिंग टू लैंडमार्क दो जमीन को आपस में सेपरेट कर रहा हो इट आल्सो कनेक्ट
ये कनेक्ट होता है टू लार्जर बॉडी, जो बड़े बॉडीज है इसमें वाटर की ऑन इधर दोनों साइड। इसमें बस जो है स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट है, स्ट्रेट आउट ओवर है, मैजिलियन स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जो है जिब्राल्टर है, और हॉर्मस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलेका और वेल नाउन काफी जो है मशहूर। इस तरह से नेक्स्ट इसमें एग्जैक्टली द ऑपोजिट, इसके मुखालिफ स्ट्रेट के होते हैं। इट इज नैरो स्ट्रिप होती है इसकी, और नेक ऑफ लैंड बिल्कुल नेक की तरह होता है, ठीक है। ये जमीन दैट जॉइंस टू लार्ज, ये जो ज्वाइन कर रहा होता है, मिला रहा होता है दो जो बड़ी है लैंड मेजेस एंड सेपरेटिस टू बॉडीज ऑफ जो अलग है उन वाटर्स को, उनको मिला रहा होता है। द पनामा इस्थमस कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन सेपरेट इन इटालियन एंड स्पेसिफिक, इसमें पैसिफिक ओशन को जोड़ा होता है। ट्यूज इसमें है, इसमें इस्थमस है ज्वाइंस, इसने एशिया को और अफ्रीका को आपस में जोड़ा एंड सेपरेट द रेड सी को एंड मेडिटेरियन सी को अलग किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें आर्चिपेलागो है। ये जो है ग्रुप ऑफ बिग बड़े और छोटे आइलैंड है, ग्रुप टुगेदर हुए इकट्ठे हैं उनको आर्चिपेलागो कहते हैं। ये जो जजीरे कुड बी स्कैटर्ड क्लोज, फैले हुए हैं क्लोज टू द मेन लैंड जो है उसको क्लोज इन्होंने किया, और फार अवे फ्रॉम इट इससे अलग करके। द टर्म्स ऑफ एरिया, ये जो एरिया है इसमें लार्जेस्ट आर्चिपेलागो इन द वर्ल्ड, दुनिया में इंडोनेशिया में आर्चिपेलागो है, ठीक है। इसके अलावा अदर जो फेमस है इसमें, अच्छा इसमें बता रहे हैं ये जो आर्चिपेलागो इंडोनेशिया की 17,000 आइलैंड है। अदर फेमस वंस आर जापान एंड फिलीपाइन, ये जो है इसमें मालदीव वगैरह बता रहे हैं यहाँ पर, ये जो है आर्चिपेलागो पाइजर। अब आप ऐसे करें, अपनी नोटबुक ओपन करें, उसमें मार्जिन लाइन लगाएं, डे टू डे मेंशन करें, यूनिट का नाम लिखें, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ आर ओशन एंड दीज लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड, आंसर लिखें। ओशन एंड सीज लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज, एरियन एंड टाइडल मूवमेंट। नेक्स्ट इसमें जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इस्थमस एंड स्ट्रेट। अब आप ऐसे करें, दरमियान में इसके जो है लाइन लगाएं, एक साइड पे इस्थमस लिखें और दूसरी साइड पे स्ट्रेट, स्ट्रेट एस टी आर ए आई टी। पहले जो इस्थमस का लिखें, एंड इस्थमस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ अ स्ट्रेट, स्ट्रेट जो है एस टी आर ए आई टी स्पेलिंग लिखने, ठीक है, स्ट्रेट फुल स्टॉप। इट इज अ नैरो स्ट्रिप और नेक ऑफ लैंड दैट जॉइंस टू लार्जर लैंड। मैसेज एंड सेपरेटिस Separates two bodies of water. अब आप लिखें स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर वे सेपरेटिंग टू लैंड मैसेस फुल स्टॉप। इट ऑल्सो कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। ऑन अ ईदर साइड, आगे जी क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसमें यही क्वेश्चन है, इसमें आप बे और गुल्फ के बारे में हेडिंग दे, बे की और दूसरी साइड पे गुल्फ,
के बारे में लिखे यहाँ पे इज अ शेल्टर यूजली सी शेप लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड व्हेन द सी पुशेस इनटू द लैंड फॉर्मिंग कोव आर इनलैंड कोव आर इनलैंड आई एन एल ई डी इनलैंड इट इज यूजली सराउंडेड बाय लैंड. अब आप जो है गुल्फ के बारे में लिखें अ वेरी लार्ज बे इज कॉल्ड गुल्फ. अब नेक्स्ट आपने जो लिखना है पेनिसुला के बारे में और केव के बारे में सेंटर में इसकी भी ऐसी लाइन लगाए. अ पेनिसुला इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू एन ओशन और It is surrounded by water and is connected mainland. आगे जी कैप के बारे में. A cap is a appointed curved curved or hook piece of land extending into the sea. Next आप लिखें archipelago and island. Archipelago इसकी हेडिंग दें. An archipelago is a group of big and small islands grouped together. These islands could be scattered close to the mainland or mainland or away from it. Mainland or far away from it. Far away. एक बार आपने away लिखना है ठीक है. Away from it. Full stop. अब आइलैंड के बारे में लिखे पुश अप्स पार्ट ऑफ द ओशन समटाइम्स फॉर्मिंग अ न्यू लैंड दिस इज कॉल्ड आइलैंड. अब इसकी जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर की हेडिंग क्वेश्चन नंबर वन व्हाट आर लैंड फॉर्म. Landforms are unusual feature of shape of land. Feature of shape of land. Next question likhe. Ab question number 2 name and describe the way Which landforms created Orion? E-R-O-S-I-O-N. Orion की पहले heading दे. Rock and rock surface are broken, transported and deposited. Full stop. और tectonic activity लिखे. Tectonic activity की heading दे. Plates movement creates Plates movement tectonic activity लिखे plates movement creates ridges 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 and valleys. आप filling the blanks की heading दें. Number one landform are created when rocks dash. डैश में बच्चों लिखो ब्रेक डाउन DOWN. नंबर टू है अ केव इज अपॉइंटेड डैश में लिखें हुक पीस PIECE. नंबर थ्री है
स्ट्रेट इज द डैश वाटर वे सेपरेटेड टू लैंड लैंड पॉजिस सेपरेटेड टू लैंड मैजेस सॉरी एल एन डी एम ए डबल एस ई एस अब जो है ब्लैंक में आपने लिखना है नैरो एन ए डबल आर ओ डब्ल्यू नंबर फोर पे आए सॉफ्ट रॉक इज लेस डैश हॉट एंड ब्रेक डाउन फास्टर डैश में लिखे रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट आर ई एस आई एस टी ई एंड रेजिस्टेंट नंबर फाइव ओशन एंड सी creates many interesting type of dash both underwater and on land. Dash में लिखें landforms. Landform. अब MCQs लिखें. Heading MCQs की दें. Number one, soft rock is less than and break dash easily. Break dash easily. ऑप्शन ए रेजिस्टेंट बी ऑप्शन ऑब्जर्व ऑब्जर्वेंट ए बी एस ओ आर ई एन ऑप्शन सी रिएक्टिव और डी ऑप्शन नन ऑफ राइट इसमें है ऑप्शन ए रेजिस्टेंट नंबर टू अ लॉस्ट पीस ऑफ लैंड extended into an ocean and sea is called dash option a option a likhe cap b option gulf c option peninsula or d option none of राइट है इसमें ऑप्शन सी पेनिनसुला पी एन आई एस यू एल ए सी ऑप्शन पेनिनसुला पी एन आई एस यू एल ए पेनिनसुला ठीक है आगे जी नंबर थ्री अ वेव इज कॉल्ड अ डैश ऑप्शन ए गुल्फ बी ऑप्शन अच्छा पहले वो अच्छा पहले वो की स्पेलिंग लिखें ए आर सी एच आई पी ई एल ए जी ओ सी ऑप्शन गेंट पे जेंट में इसमें जी ए आई एन टी डब्ल्यू ए वाई डी ऑप्शन नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन इसमें गुल्फ है ऑप्शन ए नंबर फोर है द लार्जेस्ट आर्चिपेलागो इज डैश ऑप्शन ए इंडिया बी ऑप्शन मालदीव सी ऑप्शन थाईलैंड और डी ऑप्शन इंडोनेशिया ऑप्शन डी है इंडोनेशिया नंबर फाइव द एजेंसिया ए ई जी ई ए एन एस ई ए एजेंसिया हैज मोर देन डैश रॉक एंड आइलैंड A option 60,000, B option 10,000, C option 70,000 और जो D option है 80,000. Right option इसमें option A है 60,000. ये बच्चों हमारा आज का यूनिट जो 9 है वो कंप्लीट हो गया है. इसका जो काम है था मैंने आपको करवा दिए है क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव. ये आपने काम करना भी है और इसे याद भी करना है. ठीक है बच्चों अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.